first of all, thank you for 100 subscribers. It's a great confidence boost to see the sub count go up. और अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब। रिसेंटली एक न्यूज आई कि जापान में एक्सबॉक्स हैज सोल्ड आउट PS5। ये बात सुनने में कुछ ऐसी ही लगती है जैसे नागपुर में संतरों से ज्यादा सेब बिक गए। पर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक्सबॉक्स का सीरीज एक्स PS5 से बेटर कंसोल है, या उसके कंसोल एक्सक्लूसिव गेम्स PS5 के लाइनअप से बेटर हैं, या एक्सबॉक्स का गेम पास एक कमाल की सर्विस है। ये हुआ तो बस एक रीजन से, जब मार्केट में PS5 है ही नहीं तो ऑब्वियसली एक्सबॉक्स उसको आउट परफॉर्म कर देगा। पर ऐसा क्यों है कि स्काई हाई डिमांड होने के बावजूद भी सोनी PS5 को रीस्टॉक नहीं कर पा रही है? लेट्स टॉक गेम्स में आज हम बात करेंगे कि क्या रीजंस हैं PS5 शॉर्टेज की, और क्यों ये शॉर्टेज जल्द ही हमें और भी ज्यादा चुभने वाली है, और ये शॉर्टेज हम कब तक खत्म होने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PS5 नवंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, और क्या हुआ था 2020 में? हाँ, अ ग्लोबल फकिंग पैंडेमिक, और पैंडेमिक के साथ आए लॉकडाउन्स, मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ अ सक्सेसफुल लॉन्च वर अफेक्टेड। लॉकडाउन का ऐसा धक्का लगा कि सोनी आज तक इससे उबर नहीं पाई है। पर लॉकडाउन मेन रीजन नहीं था, लॉकडाउन के साथ ही आया दूसरा रीजन, वर्क फ्रॉम होम। पैंडेमिक के कारण वर्क फ्रॉम होम, जो पहले बड़ी बड़ी कंपनियां एज अ लग्जरी पर्क देती थी, वो अब हर कंपनी की रियलिटी बन गई। और इसके साथ ही ये अपने लिए लेके आई हाई इन डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स की भारी डिमांड। और अगर इसमें बच्चों की ऑनलाइन स्कूलिंग ऐड कर दें तो इंडिया जैसे मार्केट में भी छोटे छोटे कस्बों और गांव में भी लैपटॉप्स और PCs की डिमांड आसमान छूने लग गई। और ये अपने साथ लेके आया अ ग्लोबल चिप शॉर्टेज। एडवांस कंप्यूटर चिप्स बनाना इतना मुश्किल काम है कि दुनिया भर में मुट्ठी भर कंपनियां ही ये काम कर रही हैं। और ये वही प्रोसेसिंग चिप्स हैं जो सोनी अपने PS5 में भी यूज करती है। तीसरा कारण है स्कैल्पर्स। सोनी खुद अपनी पूरी ताकत से PS5 मैन्युफैक्चर करने की कोशिश तो कर रही थी, पर ये यूनिट्स पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे थे, और इसका मेन कारण था स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स, जिसको हिंदी में हम जमाखोर भी कह सकते हैं, ये वो लोग हैं जो बॉट्स और दूसरे प्रोग्रामों की मदद से रिटेल के लिए आई हुई सारे यूनिट्स को खरीद लेते हैं और फिर इन्हें बढ़े हुए दामों पर ईबे और दूसरे प्लेटफॉर्म से बेचते हैं। सोनी ने भी इन लोगों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं, उनको सिर्फ अपने यूनिट सेल से मतलब है। पर वो ये नहीं रियलाइज कर पा रहे कि स्कैल्पर्स के पास जब तक PS5 कॉन्सोल्स पड़े रहते हैं, तब तक गेम्स की सेल्स और प्लेस्टेशन प्लस मेंबरशिप पे भी इस बात का असर पड़ता है। इंडिया में भी सोनी कॉल सेंटर्स के एम्प्लॉयज भी स्कैल्पर्स की हेल्प करते हुए पकड़े गए। इन स्कैल्पर्स के साथ तो वही होना चाहिए जो आरके नारायण की कहानी हाफ अ रुपी वर्थ में हुआ था। मालगुडी डेज के राइटर आरके नारायण ने एक कहानी लिखी हाफ अ रुपी वर्थ। इसमें सुभैया नाम का एक चावल का होलसेलर अकाल के टाइम पर चावल बढ़े दामों में बेचता है, पर वो खुद ही 10 पैसे के चावल को 50 पैसे के बेचने की कोशिश में चावल के बोरियों के नीचे दब के मर जाता है। मौका लगेगा तो ये कहानी जरूर पढ़िएगा, इट्स अ ब्रिलियंट स्टोरी। चौथा रीजन है क्रिप्टो माइनर्स। इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है गेमिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने में। एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स तो वैसे भी तत्काल टिकट से जल्दी बुक हो जाते हैं, और AMD के भी ग्राफिक कार्ड्स कभी स्टॉक में नहीं रहते। और गेस कीजिए कि PS5 कौन सा GPU यूज करती है? That's right, AMD। और क्रिप्टो माइनर्स भी इन्हीं GPUs का इस्तेमाल करते हैं बिटकॉइन और दूसरे करेंसीज को माइन करने में, और ये PC गेमिंग और कंसोल गेमिंग को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। होपफुली यूक्रेन वार के बाद आया क्रिप्टो मार्केट क्रैश इस प्रॉब्लम को थोड़ा सूद आउट करेंगे। पांचवा रीजन है रीसेलर्स। ये वो कंपनियां हैं जो थोक में PS5 खरीदती हैं और आपको इनके दुकानों में जाके PS5 लेना होता है। पहले पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो
PS5 मिलने का कोई चांस नहीं। यही मेन रीजन है कि आपको दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे जैसे शहरों में ये कंसोल पहले मिल जाएगा और छोटे कस्बों में शायद कभी नहीं। खैर, जब कंसोल मेरे पास नहीं और तुम्हारे पास नहीं और किसी और के पास नहीं तो दुख कैसा? पर ये दुख बढ़ने वाला है क्योंकि नवंबर में गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक आने वाली है और आप सबको यूट्यूब का तो पता ही है, गेम आने के बाद ही आपका पूरा का पूरा टाइमलाइन स्टोरी स्पॉइलर से भर जाएगा। और अगले साल का लाइनअप देखो तो ये दुख थोड़ा और भी बड़ा होता है, क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो सोनी के प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद भी 2024 से पहले ये शॉर्टेज खत्म होने वाली बिल्कुल नहीं है। 2023 में डेड स्पेस और रेजिडेंट ईविल 4 का रीमेक आने वाला है। दीज आर द सम ऑफ द बेस्ट सर्वाइवल हॉरर गेम्स आई हैव एवर प्लेड। इसके साथ ही इंडी गेम ब्लास्फेमस का सीक्वल ब्लास्फेमस 2 आने वाला है। अगर आपको फाइटिंग गेम्स पसंद है तो स्ट्रीट फाइटर 6 PS5 पे आने वाली है। टेलटेल गेम्स वुल्फ अमंग अस का सीक्वल वुल्फ अमंग अस 2 भी 2023 में आने वाला है। एंड व्हेन इट कम्स टू हैवी हिटर्स तो मार्वल स्पाइडरमैन का सीक्वल स्पाइडरमैन 2 2023 में आने वाली है और स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर का सीक्वल स्टार वॉर्स जेडाई सर्वाइवर वो भी 2023 में आने वाली है। अगर अगले साल भी PS5 नहीं मिला तो सिर्फ वॉक थ्रूज देख के ही ये काम चलाना पड़ेगा। आई होप सोनी जल्दी ही इस क्राइसिस को मैनेज कर ले और इंडियन कंसोल गेमर्स के लिए PS5 एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिस्टिंग and stay safe.